अंडा सेट, हेलो, ये देखो अंडा जंप, अंडा डाउन, ये डाउन हो गया। आप ट्रेनिंग कैसे दे सकते हो, वो भी बहुत ही इजी तरीके से। आपका डॉग 2 से 3 दिन में अच्छा खासा ट्रेंड हो जाएगा बेसिक कमांड। आज मैं आपको बताऊंगा सेट की कमांड देना, एंड साथ में बताऊंगा डाउन की कमांड देना, एंड साथ में जंप की एंड हैंड शेक भी, ठीक है। सभी को बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, एंड तक देख लेना, एंड साथ में आपको अच्छी तरीके से सब कुछ पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये अपना जर्मन शेपर्ड है। अब देखो मैं इसे सिट की कमांड देता हूँ और ये एक बार में सुनेगा। हंटर सिट, हंटर सिट। जैसे कि आपने देखा इतने सुन लिया, उसके बाद आपको एक ट्रीट देनी है। आपका पहले जो रहेगा डोगी वो बिल्कुल भी नहीं सुनेगा, आप सिट बोलो या कुछ भी बोलो वो बिल्कुल भी नहीं सुनेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं होगा कि सिट क्या होता है। तो आपको सिट सिखाना कैसे, तो सिखाने के लिए आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना होगा ज़्यादा कुछ। आपको सिंपल तरीके से आपका डोगी ऐसा बैठा होगा या फिर लेटा होगा, जैसा भी होगा, आपको बोलना है अंडा सिट सिट सिट। ये सिट हो गया। अगर आपका डोगी सिट नहीं होता, बिल्कुल ऐसे खड़ा रहता है, तो आपको उसके बैक के ऊपर हल्का सा इस तरीके से प्रेस करना है, आपका डोगी बैठ जाएगा। उसके बाद आपको इस तरीके से ट्रीट देना है। आपको 2-4 बार ऐसे करोगे, उसे समझ में आ जाएगा कि मैं बैठ रहा हूँ तो ये मुझे ट्रीट दे रहा है। अब मैं आपको इस बताऊंगा कि इसको जंप की कमांड बहुत ही ज़्यादा इजी है। जंप की तो मतलब इससे ज़्यादा इजी कोई कमांड ही नहीं होती। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपके हाथ में एक ट्रीट लेना है और इसको दिखाना है डॉग को, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा दी। अब देखो अंडा जंप, अंडा जंप। जब भी मैं जंप बोल रहा हूँ वो जंप पर ही उचक रहा है, क्योंकि मैंने सिखा दिया इसे जंप जंप। ये देखो, और जैसी वो जंप करे वैसी आपको ट्रीट दे देना है। तो कुछ इस तरीके से आपको इसको सिखा देना है। जैसे कि आप देखो मैं इसे कम की कमांड दूंगा और ये आएगा अंडा कम सिट स्टे। मैंने कम स्टे सब सिखा के रखा हुआ है। आपको कम की कमांड कैसे सिखानी है, आपके डॉग को आपको ट्रीट दिखाना है इस तरीके से। कहीं पर भी होगा ट्रीट दिखा दोगे तो वो खुद आएगा। तो उसको बुलाना है कम और फिर एक ट्रीट देना है, फिर आपको दूर जाना है, उसके बाद फिर आपको बुलाना है कम और उसका ट्रीट देना है। तो इस तरीके से उसको समझ में आ जाएगा कम मतलब पास आना। तो कुछ इस तरीके से आपके डॉग को आप कम की कमांड सिखा सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो अभी ये बैठा हुआ है, अब मैं कम की कमांड इसे देता हूँ अंडा कम, ये आ गया पास और फिर मैंने इसे एक ट्रीट दे दी। तो कुछ इस तरीके से सीख चुका। और यहाँ पे मेरी डोरी वगैरह पड़ी हुई है माइक की, मगर वो इसे नहीं काट रहा, क्योंकि मैंने इसे एग्रेशन बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया है। क्योंकि मैं इसे मारता पीटता भी हूँ और वो किस तरीके से प्यार से मारता हूँ, ऐसे नहीं कि बहुत ही तेज तेज, क्योंकि अगर आपके डोगी को अगर आप कंट्रोल में नहीं रखोगे तो वो आपके ऊपर ही हावी होगा। तो उसके लिए भी मैं एक आपके लिए ट्रेनिंग की वीडियो बना दूंगा। एंड दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे बैठ चुका है। अब मैं इससे बोलूँगा हेलो, तो ये पंजाबी देगा। तो हेलो तो बहुत ही ज़्यादा ईजी, बस आपको 1-2 बार ऐसे करना है। अगर ये पंजा नहीं देता तो आपको पंजे में कुछ तरीके से हाथ लगाना, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दे दिया। अब देखो हेलो अंडा हेलो, मैं जितनी बार भी हेलो कर रहा हूँ ये पंजा दे रहा है हेलो हेलो। आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से ये सीख चुका है। और आप ऐसे ही अपने डॉगी को भी सिखा सकते हो, बस आपको कुछ नहीं करना है। आपको हेलो की कमांड के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल तरीके से जो इसका लेग है उसके ऊपर कुछ इस तरीके से हाथ रखना है, ये ऑटोमेटिकली पंजा देगा। फिर आपको ट्रीट दे देना और साथ में हेलो बोलना, तो उसे समझ में आ जाएगा हेलो मतलब पंजा देना। तो कुछ इस तरीके से आप हेलो की ट्रेनिंग भी दे सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा डाउन की ट्रेनिंग आपको कैसी देना है। तो देखो अंटा डाउन ले लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया अंटा सिट, और फिर ट्रीट को इस तरीके से दिखाना है, दिखाते दिखाते बिल्कुल नीचे लाना और बोलना है डाउन डाउन। तो ये कुछ इस तरीके से बैठ जाएगा और फिर इसे खिला देना है। 5-6-7 बार आप ऐसे करोगे और फिर रोज़ करोगे सुबह शाम, तो आपको उसको समझ में आ जाएगा कि डाउन मतलब होता है नीचे, और उसके बाद आप नीचे जैसे ही आए वैसे आप इसे ट्रीट दे देना। तो इससे इसे समझ में आ जाएगा कि डाउन की कमांड किस तरीके से दी जाती है। अब मैं सारी कमांड आपको एक साथ करके बताता हूँ। अंडर सिट, अंडर हेलो, ये देखो फिर एक ट्रीट दे दो हेलो पे। अंडर जंप, ये जंप कर दिया उसने, ठीक है। अंडर डाउन, ये डाउन हो गया। आप देख सकते हो मेरा डॉग कितनी ज़्यादा तेज़ी से ये सीख चुका है, और ऐसी आप भी सिखा सकते हो। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया, सिर्फ उसी तरीके से आपको सब कुछ फॉलो करना है। अब देखो ये चुपचाप बैठा हुआ है, बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ है, और इसकी इसको मैं अब आगे चल के, ये देखो चुपचाप बैठा हुआ है। अब मैं इसको आगे चल के स्लिप की कमांड भी देने वाला हूँ। जैसे ही मैं स्लिप बोलूँगा
ये सो जाएगा पलट के। और ये सब आप कैसे दे सकते हो, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि आपका भाई आपके लिए ऐसे ही इजीली वीडियो बनाता है जिससे आप लोगों को भी समझ में आ जाए एंड आप आराम से अपने डॉग को सिखा दो। एंड दोस्तों इसे मैंने बार्क की कमांड भी दी है, अब मैं जैसी बार्क बोलूँगा तो चिल्लाएगा और उसे कमांड को आपको कैसे देना है वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो अंडल बार्क, अंडल बार्क, ये देखो जैसे उसने बार्क करा मैंने एक ट्रीट दे दी। अब देखना वापस से अंडर बार्क 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 अंडर बार्क बार्क बार्क, ये देखो जैसी वो थोड़ा सा भी भौंके वैसे ही आपको इस तरीके से ट्रीट दे देना तो उसको समझ में आ जाएगा बार्क मतलब होता है चिल्लाना, जैसे कि आप देख सकते हो बार्क बार्क, ये देखो। और देख सकते हो आप मैं जितनी बार भी उसको कमांड दे रहा हूँ उतनी बार कुछ एक्शन कर रहा हूँ, तो अगर मैं इसे नहीं भी बोलूँगा तो भी ये एक्शन से वो काम करेगा। जैसे कि आप देखो मैं इसे डाउन बोलता हूँ, अंडर डाउन, हाथ मैंने नीचे करा ये डाउन हो गया, ठीक है। अब देखो मैं सिट बोलूँगा नहीं फिर भी ये बैठ जाएगा क्योंकि इसे एक्शन मालूम है। ये देखो मैंने उंगली दिखाई ये बैठ गया। तो कुछ इस तरीके से आपको सारी कमांड भी देना है। और देखो स्टे की कमांड बहुत ही ज़्यादा है अच्छी, अगर आपने अपने डॉग को स्टे की कमांड नहीं दी तो आपका डॉग पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगा, आपके ऊपर हमला करेगा, किसी के ऊपर भी करेगा, क्योंकि वो सुनेगा ही नहीं ना। तो स्टे की कमांड आपको कैसे देना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, बट मैं अभी आपको उसका डेमो दिखा देता हूं। हंटर कम स्टे, जैसे मैंने स्टे बोला वहीं पर रुक गया। अब देखो कम स्टे, जैसे मैंने स्टे बोला वो वहीं पर बैठ गया। तो कुछ इस तरीके से आपको स्टे की कमांड भी देना होगी, वो नेक्स्ट वीडियो में आपका भाई आपको बता देगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो गई होगी और आई थिंक आपको सारी कमांड इजीली समझ में आ गई होगी। और जो नई आई है समाज में बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर, आपका भाई आपको अच्छे से समझा भी देगा एंड साथ में वापस से भी बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में जो आपको डिफिकल्टी लग रही हो कमांड वगैरह। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। अब मैं इसको सारी ही ट्रीट दे देता हूँ, खा लो, आप देख सकते हो अब इसने सब कुछ खा लिया। और खाते समय कुछ इस तरीके से आप हाथ फेरोगे तो ये एग्रेसिव भी नहीं होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। बाय बाय एंड टेक।